the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again ibs cassette ibs diet kia he kia lifestyle changes a patient इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है जिसका पेट ब्लोटिंग करता है बार बार गैस बन जाती है ब्लोटिंग होती है मोशंस में म्यूकस आता है राइट बहुत गंदी गंदी उनको फ्लैटस आता है पाद आती रहती है तो वो कैसे खाएं क्या खाएं कैसे जिए और अपने अगर एन्जाइटी है उसको कैसे ठीक करें ट्रीटमेंट क्या है इस चीज़ का क्वाइट फ्रेंकली बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है पार्ट ऑफ प्लान है डाइट न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी लाइफ स्टाइल चेंजेस के बगैर आई बी एस ठीक नहीं हो सकता दवाइयों से सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा पर कंप्लीटली ठीक करना है क्योर करना है तो डाइट एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल हैज़ अ बिग बिग पार्ट साथ ही ये अलग अलग दूसरी चीजों को भी कई सारे ट्रीटमेंट आते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट डाइट के बारे में बात करते हैं क्योंकि दवाई इसका लास्ट ऑप्शन है सो फर्स्ट ऑप्शन इज डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिलैक्सेशन टेक्निक्स कम सेकेंड एंड द थर्ड इज लाइफ स्टाइल चेंजेस सच इज एक्सरसाइज राइट सो आपको मेडिटेशन लास्ट में जाना है याद रखिए फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कुछ प्रकार के खाने पीने की चीज़ें कुछ प्रकार की ड्रिंक्स आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं जिससे आपके पेट को ब्लोटिंग हो जाए दिक्कत हो जाए वो ट्रिगर्स आपको पहचानने हैं और उनको अवॉइड करना है हर एक में ट्रिगर्स अलग होंगे कई लोगों में वो ट्रिगर होता है कोई कार्बोहाइड्रेट कोई ग्लूटेन वाली चीज़ें किसी के अंदर वो स्पाइसेस होते हैं तीखी चीज़ें किसी के अंदर वो होते हैं फैटी चीजें कोई फैट वाली चीज़ें खा ली किसी के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स है कॉफी अल्कोहल कैफीन ऐसी चीजें आपको ब्लोटिंग कर सकती हैं तो so, उन चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा और बच्चों के केस में बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आई बी सो बच्चों के केस में आपको बड़ों के जैसे ही उनको मैनेज uh, करना पड़ेगा और डाइट एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है uh, डाइट हो गई हमने बता दिया क्या क्या करना है एक्सरसाइज जो होती है एक्सरसाइज में आपको मिनिमम फिफ्टीन मिनट ट्वेंटी मिनट एक्सरसाइज फाइव टू टेन डेज फाइव डेज अ वीक करनी चाहिए बेसिकली ढाई घंटे की एक्सरसाइज पर वीक हो जाए तो उतनी बहुत ज़रूरी है एक आई केस के लिए आई या किसी हेल्दी इंडिविजुअल uh, के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है प्लस आपको डाइट में क्या करना है आपके डॉक्टर आपके लिए रेकमेंड कर सकते हैं कई सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर आपको फाइबर ज़्यादा खाना है फाइबर खाने के लिए आप बहुत सारा सैलेड खा सकते हैं आधा एक किलो सैलेड खीरा गाजर मूली टमाटर वॉट यू लाइक सैलेड कैसे भी खा सकते हैं कद्दूकस करके खा सकते हैं बड़ा बड़ा खा सकते हैं दही में डाल के खा सकते हैं राइट ये सब कर सकते हैं सेकेंड थिंग आपको कही जाती है डाइट में ग्लूटन अवॉइड करके देखो ग्लूटन अवॉइड करके देखो एक कुछ वक्त के लिए ग्लूटन यानी वीट वाल वीट वीट में प्रेजेंट प्रोटीन होता है तो गेहूं या गेहूं से बनी कोई भी चीज़ अवॉइड करके देखिए शायद आपको ग्लूटन से एलर्जी हो शायद आपको ग्लूटन आ, इस तरीके का ट्रिगर बन जाता हो नंबर तीसरी चीज बोली जाती है कि आप एक स्पेशल uh, टाइप की डाइट खाएं जिसको कहते हैं लो फॉडमैप डाइट एफ ओ डी एम ए पी फोड मैप लो फॉडमैप डाइट का मतलब क्या कि वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि फॉर्ड मैट क्या होता है बेसिकली ये फर्मन टेबल होते हैं जो बेसिकली uh, होते हैं ओलीगोसेक्राइड्स uh, अपने आप में एक तरीके के लिए मान लीजिए पॉलीओल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के राइट पॉलीगो पॉलीओल्स आर दीस थिंग्स तो वो एक तरीके का न्यू रिसर्च है जिसमें आप बल्कि सर्च भी कर सकते हो लो मैप डाइट एक तरीके के इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स और उससे फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने होते हैं लेकिन थर्ड फोर्थ चीज़ एक और ट्राई करना ज़रूरी है जिसमें आपको uh, दूध अवॉइड करके देखना है कम से कम एक हफ्ता कई बार ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है केसिन एलर्जी हो सकती है सो so, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स एक हफ्ता अवॉइड करते हुए देखिए शायद आप बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपको दूध की एलर्जी हो या फिर आप एलर्जी प्रोफाइल करा के देखिए जिसमें टेस्ट में आप पता चलता है कौन कौन से खाने पीने की चीज़ों से आपको एलर्जी है राइट ये सारे डिफरेंट चेंजेस हेल्प करते हैं आपको पहचानने में कि आपके अंदर किस चीज़ से एलर्जी है किस चीज से प्रॉब्लम है इट्स नॉट बेसिकली एन एलर्जी बट द ट्रिगर्स ट्रिगर बनते हैं ट्रिगर आपके कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं लूज मोशन कर सकते हैं स्टूल्स प्रॉब्लम कर सकते हैं सो so, इन सब चीजों में फाइबर आपकी हेल्प करेगा स्टूल सॉफ्ट करना हो या ईजी पास होना है फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें दो तरीके के फाइबर होते हैं सोल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर सोल्यूबल फाइबर जो बीन्स फ्रूट्स और ओट्स में मिलते हैं जो और कई सारे खाने पीने की चीज़ों में और इन इनसॉल्यूबल फाइबर जो वेजिटेबल्स में होता है या होल ग्रेन्स में होता है तो इन इनसॉलिबल सॉल्यूबल दोनों ही फाइबर ज़रूरी होते हैं अप्रॉक्सीमेटली थर्टी ग्राम्स आपको लेना है यानी कि आप बेसिकली फाइबर uh, जो हैं दो तीन चार ग्राम दिन में तीन बार ले लें तो आपकी बॉडी तो पाँच ग्राम चेहरे दिन में दो तीन बार लेने तो काफ़ी अच्छा क्योंकि ऑलरेडी आप पंद्रह ग्राम तो ले ही रहे होते हैं पंद्रह ग्राम एक्स्ट्रा लेना है आपको एक नॉर्मल डाइट की बात बता रहा हूँ राइट ग्लूटन क्यों क्योंकि कई चीज़ें होती हैं प्रोटीन ग्लूटन एक तरीके का प्रोटीन है और कई बार जो पास्ता है ग्रेन्स है प्रोसेस्ड फूड है इस तरीके की चीज़ों में क्या हो जाता है ये चीज़ें कई बार सीलेक डिजीज तो कर ही सकती हैं साथ में आपका ट्रिगर्स आई को भी कर सकती हैं फॉर्डमेट डाइट जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम स्पेशल uh, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जो जिसमें uh, जो मुश्किल है डाइजेस्ट होना राइट वो होते हैं उसको क्या क्या बोल सकते हैं कुछ एग्जांपल्स में बता देता हूँ फॉर्डमैन डाइट इंक्लूड फॉर्डमैन के लिए आते हैं फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स एप्रिकॉट्स ब्लैकबेरी चेरी मैंगो पेयर्स वाटरमेलन ऐसे फ्रूट्स या जो <coughs> जूसे जिनमें ऐसे फ्रूट्स हैं राइट फिर वेजिटेबल्स आती है उसमें बीन्स कैबेज कॉलीफ्लावर गार्लिक लेंटिल्स दालें मशरूम्स या डेरी प्रोडक्ट्स आते हैं वीट या राई प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सी डाइट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट तो काफ़ी हद तक ये अभी कह, कह लीजिए आप ट्राई करके देख सकते हो कि इसलिए फॉर्डमैन डाइट में इसको अवॉइड नहीं करना है आपको लो पे जाना है इन सब चीज़ों को लो खाना है तो आप ज़्यादा क्या खा सकते हो आपको फिर नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाना पड़ेगा थोड़ा सा राइट ताकि आप इन सब कार्बोहाइड्रेट से दूर रहो क्योंकि नॉन वेज में कार्बोहाइड्रेट है नहीं राइट सो यू कैन गो विध दैट डाइट ऑल्सो ट्राई कर सकते हो यू कैन ट्राई एग्स कि एग्स खाओ कुछ ज़्यादा ही मात्रा में और फिर देखो कि आपका क्या रिजल्ट आता है सो so, ये सारी डाइट्स हैं जो ट्रायल uh, बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो हर एक में एक पर्टिकुलर डाइट काम नहीं करेगी आपको अपने लिए खुद ही देखना होगा कि आपके केस में कौन सी डाइट काम कर रही है किसी के केस में दूध कम करने से दूध बंद करने से आराम हो जाएगा किसी के केस में ग्लूटेन से आराम हो जाएगा किसी के केस में फॉर्डमैन डाइट से आराम होगा किसी के केस में प्लेन सिंपल फाइबर जाना खाने से इन्हें फाइबर से सैलड uh, खाने से भी आराम हो जाएगा सो यू हैव टू ट्राई और दीज थिंग्स इंडिविजुअली टू असेस कि आपका आई आपकी ब्लोटिंग आपका कॉन्स्टिपेशन आपका लूज मोशन कैसे ठीक हो रहा है सो so ये हुई डाइट आई की एज यूजल आपके सवाल आप डाय कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी सवाल है हम आंसर करने की कोशिश करेंगे